नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। कुल्हड़ पिज्जा कपल वायरल वीडियो मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। बता दें कि कुल्हड़ पिज्जा के मालिक सहज की बहन की ओर से करवाई गई एफआईआर सामने आ गई है, जिसमें उसने दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बता दें सहज की बहन रुहनूर ने एफआईआर में लिखवाया है कि तनीषा वर्मा को उसके भाई सहज के साथ जो काम करती थी, परंतु वे वहां पर कैश में हेरा फेरी करती हुई पकड़ी गई थी, जिसके बाद मेरे भाई सहज ने उसे निकाल दिया था। जिसके बाद नई आईडी बनाकर उसने सोशल साइट्स पर मैसेज भेजकर कहा कि उसके पास गलत वीडियो है, जिसके बाद पैसे की डिमांड की और बैंक अकाउंट्स नंबर भी भेजे। रुनू ने एफआईआर में लिखवाया है कि जब पैसे नहीं दिए गए तो उसने वीडियो वायरल कर दिए। वही इस मामले में और भी लोग शामिल हैं। रुनू ने एफआईआर एक अज्ञात पर भी करवाई है। इसके बाद उसने कहा कि ये वीडियो भाई सहज और गुरप्रीत का नहीं है, गलत चेहरे लगाकर वीडियो को वायरल किया गया है। बता दें कि जलंधर का कुल्हड़ पिज्जा कपल इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है। वजह है इंटरनेट पर वायरल हो रहा एक प्राइवेट वीडियो, जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो इस कपल का है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को काफी सर्कुलेट कर रहे हैं। कुल्हड़ पिज्जा के मालिक सहज अरोड़ा और उनकी पत्नी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है, जबकि सहज अरोड़ा ने इस वायरल वीडियो को फेक बताया है और लोगों से अपील की है कि वो इस वीडियो को सर्कुलेट करना बंद कर दे। फिलहाल जिस महिला पर आरोप लगाए गए हैं उसे पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। सहज का आरोप है कि ये महिला एक ब्लॉगर की मदद से कपल को ब्लैकमेल कर रही थी। सहज ने पुलिस को मोबाइल फोन पर उसके आए हुए कुछ मैसेज के स्क्रीनशॉट भी दिखाए थे। बीते दिनों कुल्हड़ पिज्जा के मालिक सहज अरोड़ा ने बताया कि उसकी पत्नी गुरप्रीत कौर डिप्रेशन से जूझ रही है। गौरतलब है कि बीते दिन से जलंधर के मशहूर कुल्हड़ पिज्जा कपल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसके बाद से ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई थी। इस वीडियो को लेकर लगातार कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और अलग अलग रिएक्शंस भी सामने। अब टीवी का बड़ा चेहरा माने जाने वाले प्रिंस नरूला का रिएक्शन इस लीक्ड वीडियो पर आया है। प्रिंस ने इस वीडियो को डिलीट करने की गुजारिश की है और अपने फैन से कहा है कि इसे सर्कुलेट करना बंद कर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।